गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कला क्या है, कला का अर्थ क्या है और उसकी डेफिनेशंस क्या है. आज हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ आर्ट की, कला की जो प्रकृति है वो क्या है. कला वो है जो हमारी अंतरात्मा को, हमारे मन को खुशी प्रदान करती है. कला से हमें खुशी का अनुभव होता है, अर्थात जिस किसी काम को या चीज़ को करने से हमें खुशी मिलती है वह कला है. तो कला की प्रकृति क्या है? हर दिशा में किसी भी माध्यम के द्वारा खुशी महसूस करवाना, आनंदित करना कला है. समय के साथ साथ कला का विकास होता जा रहा है, लेकिन इसकी प्रकृति वही है. चाहे कला में कितने भी विकास हो रहे हों, कितना भी डेवलपमेंट हो रहा हो हमारी आर्ट में, डे बाय डे हम नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, नए कलर्स कर रहे हैं, नए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, उन सभी में क्या है, वो सभी हमें हैप्पीनेस देते हैं, हमें आनंद देते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी चेंजेस करने के बाद जो आर्ट है वो हमें दुख पहुँचाती है. कला क्या है? जब हम अपने विचारों को प्रेजेंट कर पाते हैं आर्ट के थ्रू, चाहे वो ड्राइंग एंड पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो ललित कला हो, चाहे वो पाक कला हो, चाहे वो बागवानी हो, ये सभी हमें कहीं ना कहीं से खुशी ही प्रदान करती हैं. ये हमारे मन को दुख अनुभव नहीं करवाती हैं. कला मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यापक है और व्यापक ही रहेगी. जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, गृह निर्माण कला, वस्त्र निर्माण कला, पाक कला, बागवानी कला, इन सबसे पता चलता है कि कला की प्रकृति कल्याणकारी है, जो हमारे कल्याण के लिए ही बनी है. ये हमारे फ्यूचर को ब्राइट करती हैं, ना कि उसमें कोई सैडनेस क्रिएट करती हैं. ये हमें रोज़ कुछ नया अनुभव कराती हैं, रोज़ नई खुशी प्रदान करती हैं. जब भी कभी हम उदास होते हैं तो हम म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं या हम कोई ड्राइंग करना पसंद करते हैं. जिस चीज़ से हमें खुशी मिले हम वो करने की पूरी कोशिश करते हैं. तो संपूर्ण शब्दों में कहें तो कला वही है जो हमें आनंद पहुंचाती है. चाहे वो कैसी भी कला हो, चाहे वो संगीत की हो, चाहे वो नृत्य की हो, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो मूर्ति हो, ये हमारे मन को, हमारे जीवन को आनंद में ही बनाती हैं. कला को हम प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं. अगर हम किसी अपनी आर्ट को, अपने जो हमारी आदत हॉबीज़ होती हैं, अगर हम उनको बेहतर तरीके से सीख लेते हैं तो हम उसको प्रोफेशनल वे में भी लेके जा सकते हैं. हम उसको अपनी आजीविका चलाने के लिए भी, अपने जीवन के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं. उससे हमें मनी भी मिल सकती है, लेकिन वो फाइनली कहीं ना कहीं हमें खुशी ही मिलती है. हम हमेशा वही चीज़ करते हैं जो हमें खुशी प्रदान करती है. कभी भी हम दूसरे के कहने पर या दूसरे की इच्छा अनुसार अपनी कला को परिवर्तित नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमें ही खुशी प्रदान करती है. तो कला का जो संपूर्ण अर्थ है वो यही है कि जो मनुष्य के जीवन में आनंद को उत्पन्न करे. एजुकेशन के लिए और अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. और बीएड क्लासेस में आर्ट को डालने का पर्पस ये है कि क्योंकि हम एक प्रोफेशनल टीचर बनने वाले हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने फ्यूचर में बच्चों को किस तरह से टॉपिक्स को कराना है. जब हम उन्हें क्रिएटिव तरीके से, क्योंकि अगर हम उन्हें सिर्फ लेक्चर मेथड के थ्रू या अदर मेथड्स के थ्रू ही कराएंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं बोर हो जाता है. कला क्या है? मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे के मन में इन चीज़ों के प्रति इच्छा जागृत रहती है, लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते. तो हम आर्ट के माध्यम से, चाहे वो हमारी ड्राइंग पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो फिल्म्स हो, इनके मेथड्स के थ्रू हम बच्चे को बहुत सुंदर तरीके से अपने टॉपिक्स को, अपने पॉइंट्स को बहुत एक्सप्रेसिव तरीके से हम इन्हें समझा सकते हैं. इसीलिए आर्ट को हमने बीएड क्लासेस के बीच टॉपिक में जो डाला गया है. तो कला क्या है? जो मनुष्य के विचारों को दर्शाती है, समाज की स्थिति और उसकी दशा के साथ साथ उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आता है. मनुष्य के जो भी विचार हैं वो कला के माध्यम से वो प्रेजेंट करता है.
मुझे अगर कोई भी व्यक्ति है अगर कोई स्टोरी लिखता है या कोई पोयम लिखता है तो उसमें वो उसके जो विचार हैं वो क्या सोचता है, वो दुनिया के बारे में क्या जानना चाहता है या उसके दुनिया के प्रति क्या विचार है, वो सभी कला के माध्यम से ही हमें पता चलते हैं। कला के प्रकार के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कला के तीन प्रकार हैं, आध्यात्मिक स्वरूप, रूपवादी स्वरूप और भावात्मक स्वरूप। अरस्तु ने कला को तीन प्रकार बताए हैं, आचरण संबंधी कला, ललित कला और उदार कला। आचरण संबंधी कलाएं वो होती हैं जो मनुष्य के अच्छे आचरण को दर्शाती हैं, जैसे कि रामायण, ये भी एक कला है, एक ड्रामा है, एक पूरा का पूरा ग्रंथ है जो पिक्चराइज किया गया है। इसमें क्या है, इसमें श्री राम जी को लेकर या और जो ऋषि मुनि हैं या उनके जो भाई हैं उन सभी के करैक्टर्स को लेकर दिखाया गया है कि उन सबका करैक्टर कैसा था। अब उनके करैक्टर के थ्रू एक मैसेज कन्वे किया गया है, एक पिक्चर्स के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। अब बच्चे रामायण नहीं पढ़ सकते लेकिन वो रामायण को देखकर सीरियल्स में, मूवीज़ में और उसको समझ जाते हैं, एक एक करैक्टर्स उन्हें याद हो जाते हैं, किसके क्या प्लस पॉइंट हैं वो उसको खुद से समझ पाते हैं कि हमने जो देखा, हमने जो समझा वो उसको आगे बता पाते हैं कि उनके क्या विचार हैं रामायण के बारे में। अब पूरी रामायण को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको टीवी के थ्रू दिखाया जाता है ताकि ये बच्चों तक बहुत बेहतर तरीके से इसकी जो पूरी की पूरी जो एक आचरण, जो उनके कैरेक्टर्स का आचरण है, जो उनके कैरेक्टर्स की क्वालिटीज़ हैं वो बच्चों को दिखाई जाए। ललित कलाएँ ये मनुष्य की सौंदर्य संबंधी कलाएँ हैं और ये मानव की सौंदर्य चेतना को संतुष्ट करती हैं, जैसे संगीत कला, नृत्य कला आदि। म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक हमारे मन को बहुत ही रिलीफ, हम कभी स्ट्रेस में होते हैं तो हमें रिलीफ महसूस करवाते हैं। कई बार हम जो डांस है, बच्चों का प्रोफेशंस भी होता है और वो उसे इंटरेस्ट से भी करते हैं, तो इनके थ्रू भी हम जो है बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं। उदार कला, इस वर्ग की कलाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, व्याकरण, तर्क, चित्रकला, आर्ट संबंधी सब्जेक्ट की लगभग सभी कलाएं उदार कलाओं में ही आती हैं। आप देखते होंगे कि आजकल जो हमारे डायग्राम्स बनते हैं, ग्राफ्स बनते हैं या हम फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाते हैं अपने टॉपिक्स को प्रेजेंट करने के लिए, उसको इजी तरीके से समझने के लिए, तो जो उदार कलाएं हैं वो आजकल के जो टाइम में हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं हमारे स्कूली लाइफ में भी। फिर इंद्रियों के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है कि हमारे जो सेंसेस हैं उनके बेसिस पर भी हम इनको डिफाइन करते हैं, दृश्य संबंधी, श्रव्य संबंधी और दृश्य श्रव्य संबंधी कलाएं। वो कलाएं जो नेत्रों को आनंद पहुंचाती हैं, जिनको देखकर हमें खुशी महसूस होती है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तुकला। अगर आप कोई पिक्चर देखते हो, कोई पेंटिंग बनी हुई देखते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है कि वाओ बहुत सुंदर बनी हुई है, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट किया हुआ है, हम उसको देखकर समझ जाते हैं कि जो पेंटिंग बनाने वाला है वो अब उसके विचार क्या है या वो इस पेंटिंग के थ्रू क्या प्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही मूर्तिकला, मूर्ति देखकर हम ये अनुभव लगा लेते हैं कि बनाने वाले ने उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया या किस वे में बनाया है, उसकी इमेजिनेशंस क्या हैं, ये सब हमें ऐसे ही पता चलती हैं। श्रव्य संबंधी संगीत कला, काव्य कला, म्यूज़िक, आपको पता है कि जैसे हमारा मन होता है हम उस अकॉर्डिंग म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो वो भी हमें आनंद ही महसूस कराते हैं। दृश्य श्रव्य कला, नृत्य कला, नाट्य कला, सिनेमा आदि। अगर हम बच्चों को मूवीज़ के थ्रू कुछ दिखा दें तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से उसको देखते हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको देखते हैं। तो फाइनली हम ये समझ पाते हैं कि जो नेचर है हमारी आर्ट का वो क्या है। हमारी आर्ट का जो नेचर है वो है हैप्पीनेस, यानी कि आनंद पहुंचाना, जो हमारे लिए कल्याणकारी है और जो हमारे जीवन को, हमारे बच्चों को बहुत ही